Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of loanable funds theory of interest. जैसा कि previous lecture में हमने how rate of interest is determined के reference में पहली theory यानी कि classical और real theory of interest को discuss किया था. आज के lecture में हम इसी के रेफरेंस में इसकी सेकंड थ्योरी यानी कि लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. क्योंकि जैसा कि इसका नाम है लोनेबल फंड, तो ये थ्योरी डिफाइन करती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन द क्रेडिट मार्केट. यानी किसी भी क्रेडिट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स के इक्विलिब्रियम के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है. और जब हम बात करते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की, तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. तो क्या क्या सोर्सेज हैं दोनों के लिए, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स के लिए एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स के लिए, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं. पहले हम बात करते हैं अबाउट द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. जब हम लोनेबल फंड्स यानी कि लोन के लिए जिस फंड की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोनेबल फंड का नाम दे रहे हैं, ठीक है. तो जो सप्लाई है लोनेबल फंड की, उसके चार डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं. पहला सोर्स है दैट इज सेविंग्स, सेकंड सोर्स है डिस होल्डिंग, द वेरी थर्ड सोर्स इज बैंक रेट एंड द फोर्थ सोर्स इज नोन एज द डिस इन्वेस्टमेंट. क्या क्या है ये सोर्सेज? द फर्स्ट वन इज द सेविंग्स. सेविंग्स कहाँ से आएंगे ना? सेविंग्स आएंगे आपके इंडिविजुअल से और हाउस होल्ड से. और इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड से जो मनी सेव किया जाता है आउट ऑफ देयर इनकम्स, ये लोनेबल फंड्स की सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया होता है. यानी कि लोनेबल फंड्स के लिए जो मैक्सिमम फंड की अवेलेबिलिटी है वो इसी सोर्स से कंप्लीट होती है. और ये किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स. ये किसी भी हाउस होल्ड की इनकम के साइज पर डिपेंड करेगा. यानी जितनी उसकी इनकम ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा सेव करने की पोजिशन में होगा, और जितनी इनकम कम होगी वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करेगा, उसके बाद अगर पैसा बचता है तब वो सेव करने के लिए इंड्यूस्ड होगा. और वो भी डिपेंड करेगा किस पर? और वो भी डिपेंड करेगा उसके द्वारा मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. यानी कि अगर वो सेविंग करता है अपने पर्टिकुलर स्मॉल इनकम में से, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसके बेसिस पर उसका इंड्यूसमेंट होगा सेव करने के लिए. क्या मतलब हुआ? कि अगर मार्केट में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जा रहा होगा सेविंग के रेफरेंस में, तो जो पर्सन्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को सेव करेंगे. लेकिन अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो कम सेविंग को फोकस करेंगे. यानी कुल मिला के एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी. इसका मतलब जो लोनेबल फंड्स की सप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगी. तो एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन हो गया यहाँ पर सेविंग के बीच में और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में. क्लियर? ये तो बात हो गई इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड्स की. इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स की तरह बिजनेस फर्म्स भी सेविंग करती हैं. अब वो सेविंग कैसे करती है? जो उनकी टोटल अर्निंग होती है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड करती हैं. एक पार्ट तो डिविडेंड के फॉर्म में पे कर दिया जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो होता है उसकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, या उसकी रिटेंड अर्निंग भी कहलाती है, जिसको हम उस फर्म की सेविंग के नाम से जानते हैं. अब है क्या? या तो वो क्या करेगी, जो भी इसका पार्ट बचा हुआ है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, वो इसको प्रॉफिट की ग्रोथ में लगा देगी अगर इसको प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा. लेकिन अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगी, इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को सेविंग में इन्वॉल्व कर देगी और इसको लोनेबल फंड्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल करा देगी.
इसका मतलब अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेविंग भी ज्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग भी कम होगी. ओके, द सेकेंड सोर्स ऑफ सप्लाई इज डिसहोर्डिंग. डिसहोर्डिंग क्या होता है? इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर होल्डिंग देयर मनी फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट यूजेस. खासतौर से कंटिजेंसी के लिए क्या करते हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो कुछ ना कुछ मनी लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखते हैं. ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म में मनी हाउस होल्ड्स के पास रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जैसे तिजोरी में उठा के रख दिया जाता है या घर की सेफ में उठा के रख दिया जाता है, तो हम उसको होल्डेड स्टॉक का नाम देते हैं. अब वो होल्डेड स्टॉक बाहर कैसे आएगा? जब बैंक्स ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं तो जो हाउस होल्ड्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस होल्डेड स्टॉक को डिसहोल्ड कर देते हैं और मार्केट में लोनेबल फंड की सप्लाई में ऐड कर देते हैं. लेकिन इसके लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो उसको डिसहोल्ड नहीं करेंगे. तो एक तरीके से जो डिसहोल्डिंग है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. तीसरे केस की बात करते हैं इसके अंदर, द थर्ड सोर्स ऑफ सप्लाई इज बैंक क्रेडिट. मैक्सिमम अमाउंट फॉर द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज प्रोवाइडेड बाय बैंक क्रेडिट. मैक्सिमम अमाउंट पे की जाती है बैंक क्रेडिट के मीडियम से. क्या होता है, बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है टू द बिजनेसमैन और इस तरीके से मनी को क्रेडिट करती है. जो भी इसके पास एक्चुअली क्या होता है, हम जो सेव करते हैं पहले वो कहाँ सेव करते हैं, बैंक्स में सेव करते हैं. तो जब बैंक्स में हमने जो सेविंग कर ली है उस अमाउंट को कलेक्टिव वे में बैंक्स के द्वारा बिजनेसमैन को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है. अब अगर बैंक को इस पर्टिकुलर अमाउंट पर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगी, एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा लोन एडवांस देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वो. लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, वो डिस्करेज होकर कम से कम लोन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करेंगे. द केस इज दैट. तो ये भी एक सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया लोनेबल फंड्स के लिए. एंड द फोर्थ वन इज दैट इज नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल रिवर्स होता है. इन्वेस्टमेंट में फर्म्स क्या करती है, वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को असेट्स को लगातार ऐड करती चली जाती हैं, उनको परचेज करती चली जाती हैं. तो जब असेट्स को लगातार परचेज किया जाता है और उसके बेसिस पर कोई बिजनेस लगातार अपने आप को ग्रो करता रहता है तब हम कह रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका, उसकी ग्रोथ हो रही है लगातार, तो वो इन्वेस्टमेंट टर्म हो गई. और जब इसका रिवर्स होता है यानी कि जब कोई फर्म अपनी प्रॉपर्टी को सेल करती है, अपनी असेट्स को सेल करती है, रिप्लेस करने की जगह उसने क्या करा, अपनी असेट्स को सेल कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. या अपना कुछ पर्टिकुलर शेयर है मार्केट में उसको उसने सेल कर दिया, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. इट मींस दैट एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज अलाउड टू वियर आउट विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड और व्हेन इन्वेंटरीज आर ड्रॉन बिलो द लेवल ऑफ द प्रीवियस पीरियड. ये पिछले साल के कंपेरिजन में क्या हो, लगातार इन्वेंट्रीज का लेवल कम करती चली आए कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी असेट्स की क्वांटिटीज को लगातार कम करती चली आए, तो हम इसे डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कहते हैं. अब डिसइन्वेस्टमेंट जब फॉलो किया जाता है तो क्या होगा, तो उस केस में उसके हाथ में जो अमाउंट है वो कैश के फॉर्म में आएगा. यानी जब मशीन्स को सेल किया जाएगा या फर्म अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेगी तो उसके पास क्या अवेलेबल होगा, कैश अवेलेबल होगा. अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स फ्लोज इन टू द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स. और अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, इस अमाउंट को लोनेबल फंड्स की सप्लाई में ऐड कर देगा. यानी कि सप्लाई लोनेबल फंड्स की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे किया जा रहा है, तो उतना ही ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो किया जाएगा. क्योंकि जब रेट ऑफ रिटर्न जितना एक्सपेक्टेड है किसी बिजनेस को, अगर उतना रेट ऑफ रिटर्न उसको नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा और उससे उसका जो कैश रिलीज होगा वो उसे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पर इन्वेस्ट कर देगा जहां उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा मिल रहा है. तो इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाता है जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे किया जाता है. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा
तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस को ग्रो करेंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न को अर्न कर सके। सो दिस इज द फोर्थ सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। क्लियर, ये तो बात हो गई अबाउट द फोर सोर्सेस। जब हम इन चारों सोर्सेस यानी कि एस सेविंग, डीएच डिसहोल्डिंग, डीआई डिसइन्वेस्टमेंट एंड बीएम, डीआई इज द डिसइन्वेस्टमेंट एंड बीएम इज द बैंक क्रेडिट, जब हम इन चारों कर्व्स, ये हमें चार कर्व्स मिलेंगे सिर्फ इनमें अलग अलग, और जब हम इन चारों कर्व्स को एक साथ समेशन वे में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट अ कंप्लीट सप्लाई कर्व ऑफ द लोनेबल फंड्स। और इसका स्लोप क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी केसेज हैं हर केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने के साथ ही सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा, चाहे वो बैंक क्रेडिट है, चाहे वो डिसहोल्डिंग है, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट है, चाहे वो सप्लाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये भी कम होंगे, तो इनका स्लोप अपवर्ड होने की वजह से जो टोटल सप्लाई कर्व होगा लोनेबल फंड्स का, उसका स्लोप भी अपवर्ड होगा, एंड इट विल बी अपवर्ड टू द राइट, जो ये शो करेगा कि लोनेबल फंड्स की ज़्यादा अमाउंट सप्लाई होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और लोनेबल फंड्स की कम अमाउंट अवेलेबल होगी या सप्लाई होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इसको हम ग्राफिकल वे में ऑप्टेन कर सकते हैं। इन दिस ग्राफ आई हैव रिप्रेजेंटेड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड ऑन एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ मैंने चार इंडिविजुअल कर्व्स को रिप्रेजेंट किया है। द फर्स्ट वन इज डी एच, जो डिसहोल्डिंग के द्वारा अवेलेबल लोनेबल फंड से सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आई डिसइन्वेस्टमेंट को, एस सेविंग को, और बी एम बैंक क्रेडिट को। तो ये चार अलग अलग कर्व्स हैं, जब इनको हम लेटरल वे में कंबाइंड करते हैं तो हमें एक कर्व ऑप्टेन होता है जिसको हमने नाम दिया है किसका, एल एस। दिस इज द सप्लाई कर्व, टोटल सप्लाई कर्व ऑफ लोनेबल फंड्स इन द क्रेडिट मार्केट। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये तो हमने इस तरीके से एल एस को रिप्रेजेंट कर दिया है जो अपवर्ड स्लोप के साथ में अवेलेबल है, जो ये शो कर रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोनेबल फंड्स की सप्लाई भी ज्यादा होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोनेबल फंड्स की सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, अब इससे आगे का जो पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।